नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ स्पेशल 700 साल पुराने नेपाली का इतिहास। दोस्तों आप तो जानते होंगे कि भारत से बोधि धर्मन जैसे बहुत सारे महापुरुष चाइना जाते थे और चाइना के लोगों को बहुत कुछ सिखाते थे और चाइना के लोग उनको अपना गुरु मानते थे। ऐसे ही दोस्तों नेपाल से भी एक आदमी चाइना गए थे और चाइना के लोग उनको आज भी अपना गुरु मानते हैं। चाइना की बहुत सारी किताबों में उनकी जीवनी लिख दी गई है, जैसे जेफू, द युआन हिस्ट्री, रेन जंगा, ड्यूक ऑफ स्टेट ऑफ लियांग, लियांग से सांग लियान, और भी दोस्तों बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें इस नेपाली का वर्णन है। तो दोस्तों आइए हम दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट आपको सुनाते हैं। चीन के राजा कुबलाई खान ने, या कुबलाई खां समझ सकते हैं दोस्तों, खान और खां में अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है वो हम कभी भविष्य में आपको समझाएंगे। तो कुबलाई खान ने क्या किया कि चाइना में बौद्ध लिपि या बौद्ध कला शाक्य कला के निर्माण के लिए ल्हासा के राजा को कहा। ल्हासा के राजा ने क्या किया कि नेपाल से कहा कि हमें कुछ बौद्ध लिपि या सॉरी दोस्तों बौद्ध कला और शाक्य कला की मूर्तियों के निर्माण के लिए कुछ कारीगर दो। फिर नेपाल के राजा ने, जो कि उस समय भीम मल्ल थे, उन्होंने नेपाल से 70 कारीगर ल्हासा भेजे, जिनका मुखिया 17 साल के एक आर्निको को बना दिया। आर्निको के पिता का नाम लक्ष्मण था और माँ का नाम सुमा के ताई, और ये जाति से नेवार थे। इनका जन्म लगभग 1225 के लगभग हुआ है। तो भीम मल ने इनको ल्हासा भेजा। ल्हासा में इन्होंने कुछ मूर्तियों का निर्माण करवाया। उसके बाद इनको कुबलाई खान ने बुला लिया। फिर ये बीजिंग पहुंचे। आर्निको ने वहां बौद्ध कला में 3 बड़े स्टेचू, 9 बौद्ध बड़े मंदिर, 2 कन्फ्यूशियस मंदिर, 1 दाओ बाती मंदिर और छोटी छोटी हजारों धातु की मूर्तियों का निर्माण किया। फिर चाइना के राजा ने आर्निको को जितने भी चाइना में कला के या मूर्ति निर्माण के कारीगर थे या जितना भी काम वहाँ पे इस संबंध में होता था, तो चाइना के राजा ने आर्निको को आल आर्टिसन क्लासेस इन सब का निदेशक बना दिया। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे भारत या नेपाल में कोई गृह मंत्री होता है, कोई खाद्यान्न मंत्री होता है, कोई रेल मंत्री होता है, इसी प्रकार चाइना के राजा ने इनको आर्ट मंत्री बना दिया और इनको ड्यूक ऑफ लियांग की उपाधि दी। इनके बनाए गए मंदिरों में आज भी एक दिन में 25 से और 50,000 आदमी आते हैं देखने के लिए, जो कि चीन सरकार का आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। इनकी 7 चाइनीज पत्नी थी, 2 मंगोलियन और 1 नेपाली, 6 बेटे और 8 बेटियां थी। इन्होंने धातु कला, मूर्ति कला, शिल्पकार में चाइना के लोगों को ट्रेंड किया या प्रशिक्षण दिया। चाइना के लोग या चाइना के जो शिल्पकार थे ये इनको गुरु मानते थे। चाइना की बहुत सारी किताबों में इनकी जीवनी है और किताबों में इनकी जीवनी होने का या होना इस बात का प्रमाण है कि आज से 700-800 साल पहले आर्निको एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे चाइना में। हिस्ट्री ऑफ युआन के द्वारा ये पता लगता है कि उस समय के जो राजा थे उनके साथ में जब या दरबार लगता था तो उस समय आर्निको को भी सभा में बुलाया जाता था, क्योंकि वो भी कला मंत्री थे। आप उनको कला मंत्री ही समझें। मिया ओइंग मंदिर में व्हाइट स्टेचू इनका अद्भुत निर्माण है जो कि बहुत ही फेमस है। दोस्तों आर्निको शब्द का मतलब होता है चाइनीज भाषा में नेपाल का सम्मानित भाई, यानी आर्निको जो इनका नाम दिया गया है वो चाइनीज भाषा में दिया गया है। दोस्तों इनके एक दो नाम और मिलते हैं, जैसे एनका या अनिको, और नेपाली भाषा में बाला बाहु इनका नाम था। विस्तृत जानकारी नेपाल के कोई जोशी जी हैं जिन्होंने इनके ऊपर एक किताब लिखी है, वहां से आपको मिल सकती है।
1306 में इनकी मौत हो गई। इनकी मौत होने के बाद चाइना सरकार ने इनके परिवार को 25,000 टन चांदी दिया, 175 किलो सोना दिया और बहुत सारी चाइनीज मुद्रा दी। उस समय के तत्कालीन चाइनीज राजा ने इनकी मौत पे बहुत दुख जताया था। दोस्तों, ये रिपोर्ट हमें दैनिक जागरण के एक लेख से मिली है। धन्यवाद।